हाँ जी सत श्रीकाल दोस्तों, आप आज बना रहे हैं समोसे लिटिल बिट डिफरेंट टच दे नाल ते डिफरेंट, क्योंकि जड़ा अपना इंडियन समोसे जब आप ऐसा बनाते हैं कई तो नहीं बनते हैं प्रॉब्लम आती है तो आप डिफरेंट तरीके बनावांगे थोड़ा डिफरेंट टच नाल ते उधर आप की लिया मैं वो दिखाता थानू। आपां इहदे विच पावांगे अपने आलू जीरा दा तड़का लगा के नाल बनावांगे पुदीने दी चटनी ते सोया ते आलू लांगे नाल लांग विच पावांगे आपां अनारदाना अमचूर मैदा लिया अपना समोसे दी पट्टियां बनाने लई ते आलू प्याज दी साडी जिहड़ा रेड़ा आ गया भर के थोड़ा जिहा ते अपने नॉर्मल जिहड़े अपने लून मसाले होंदे वो पावांगे ते शुरू करदे आं। अपना ये आपां सोया दा चूरा बॉयल करन लई रख रहे हां, एक तो डेढ़ कप लै सकदे हो, मैं थोड़ा जिहा ज़्यादा लै रहा क्योंकि जे कुछ होर आइडिया आ गया तो वह भी बनावांगे वैजीटेरियन समथिंग। इनू आप हूँ प्यो के थोड़ा जहा सिरका पा के उबाल लें। आप सब तो पहला अपना मैदा लगा रहे हैं समोसे वाले, मैं इतने एक तो डेढ़ कप लै रहा हाँ मैदा। ये पावे आप थोड़ा जहा लून अजवाइन थोड़ी जी हाथ नाल मसल के इनू चंगी तरह मिक्स कर लांगे ते इहदे विच पावांगे आपां घिओ इत्थे पाया मैं ऑलमोस्ट 3 स्पून जिहड़ा अपना ऑयल इनू चंगी तरह मिला लांगे। इनू आप फिर अपना गुन लें कोसे पानी में, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पैना, बहुत ज़्यादा आप टाइट भी नहीं गुनना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गुनना, ऑलमोस्ट कह लो कि अपना जिदा रोटियां का गुनी उदा लगा लेना अपना आटा ते थोड़ी देर रेस्ट करने लिए रख देंगे जब तक आप अपने अपने आलू कट के तो तड़का बना के जब तक ये रेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप भर के ते फ्राई कर दें। अपना ये आटा लग गया इनू आप थोड़ी देर ढक के रेस्ट करने लिए देते हैं। लेट्स गो टू गार्डन। आपां जा रहे हूँ पुदीना लैन, फ्रैश पुदीना। आपां पहुँच गए हैं फिलहाल पुदीने दे गार्डन च। इत्थों आपां तोड़ांगे फ्रैश पुदीना अपनी चटनी वास्ते।
पहला आप कट रहे थे देस थोड़ा इंग्लिश स्टाइल नाल हम आप देसी स्टाइल नाल कट रहे हैं पुदीना ई आप अपनी पुदीने की चटनी जी है देसी हिसाब न बना रहे अपना कुंडी सट्टे चे आप लून प्याज तो अनारदाना पावे थोड़ा थोड़ी जी आप पावे चीनी खट मिठी जी हो जाएगी अपना पानी उबल गया क्योंकि मैं फ्रोजन मटर यूज कर रहा तो वो पानी पाने अपना सॉफ्ट हो जाएगा वो आप थोड़ी देर रखा बॉयल पानी चे ते अपने मटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर आप यूज़ कर लेंगे ये अपना जरा पुदीना थोड़ा जहा हो गया इस आप हूँ एक प्याज कट के पा लें ये आप हम लाल प्याज पा के इन थोड़ी देर कुट लें मिक्स कर लें फिर इस बाद आप लून मसाले पाने नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी छड़ देगा आप आलू जड़े समोसे च भरने तो आप आलू उबाल रहे हैं थोड़ा जहा नमक से थोड़ी जी हल्दी पाई है आप थोड़ा उबलन देंगे अपने आलू बॉयल हो गए आप इन्होंने छान लें नाले थोड़े जे ठंडे हो जाएंगे फिर आप इन्होंने तड़का लगाने उन्नी देर आप हम आप अपने पट्टियां वेल लें अच्छा जी आप हम आप पट्टियां वेल लें तो थोड़ा जहा आप सुक्का आटा पा लें इतने तो इन चंगी तरह वेल लें अच्छा जी ये आप हम वेल ले नॉर्मल आप तिकोने बनाने आप पर एक दा ग्लास ले लो या कोली ले लो तो आप इदा गोल कटांगे तो थोड़ी डिफरेंट शेप देंगे अदा अपन कट आप पट्टियां कट लिया तो इन्हें आप हम भरेंगे अपने समोसे जोड़े बनाने वो आप भर के बनाने छोटे कॉकटेल समोसे स्टाइल समोसे कह लो डंपलिंग कह लो कुछ भी कह लो आप भरेंगे कि होपफुली सारों भरन आसान लगन गए क्योंकि जो आप दूजा बनाते हैं मार्केट स्टाइल जोड़े होंगे कई तो भर नहीं होंगे आप अपनी कढ़ाई गर्म रखी है इस पावे आप थोड़ा जहा ऑयल दो तो ढाई चमचे तो आप जो समोसा आलू तड़का लाना उस आप मटर जिंजर गार्लिक पेस्ट पावे तो अपनी जड़ी सोयाबीनस आप पावे अपना तेल ऑलमोस्ट गर्म हो गया इस पावे थोड़ा जहा जीरा तो थोड़ा जहा जीरा अपना हो जाएगा फिर पाने आप जिंजर गार्लिक जीरा हो गया बहुत ज़्यादा आप साड़ना नहीं है इनू जिंजर गार्लिक पेस्ट ना ही पावे इस आप अपने मटर इन थोड़ी देर भुनेंगे ये मैं फ्रोजन मटर ले तुसीं चाहो तो अपना जिहड़े फ्रैश मटर भी ले सकते हो अपने मटर थोड़े जे हो गए हुण नाल आपां इहदे विच पा दिंदे आं अपना सोया ते इहनूं भी चंगी तरह भुन लांगे इहदे विच ही
मेक श्योर कि जो पानी है सारा सुक जाए, पानी नहीं रखना अपना, नहीं तो जो एक पोस्ट अपना फ्रीज करके रखना चाहते एक दो दिन लई तो खराब हो जाते आलू। बेस्ट है कि इस पानी जोड़ा आ पूरा सुका लो। जो तुम मीट खाते हो ज्यादा सोया पाया वो जगह तुम कीमा पा सकते हो, कोई भी जोड़ा थोड़ा पसंद है। नहीं अगर वैजीटेरियन है तो ज्यादा मैं सोया पाया ऐसा सोयाबीनस यूज कर सकते हो, पनीर पा सकते हो। ये अपना फ्राई हो गया बिल्कुल, ऐसा पानी सुख गया। हूँ आप इन्हों आलू ना मिक्स करके अपने से लून मसाले पाने ये इतने अपना ठंडे कर ली पा दिता है तो थोड़ा जहा ठंडा हो जाता है। तो वो बाद आप अपने लून मसाले पाने आप मसाले पा लें। इस पाएंगे मिर्च, कसूरी मिर्च, ओ सॉरी देगी मिर्च, कसूरी मेथी, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा पावांगे, ते थोड़ा जा अनार दाना, चंगी तरह मिक्स करांगे। लून थोड़ा पावांगे क्योंकि पहला ऑलरेडी साडा आलूआं च भी लून पाया सी, असीं बॉयल करन लगे उहदा ध्यान रखना कि डबल ना हो जाए। इहनूं चंगी तरह मिक्स कर लैंदे आपां जिहड़ा हुण बनाउणे आ समोसे, इत्ते लावांगे आपां पाणी। इहदे च भरांगे आलू, इनू आप जो फोल्ड करना है वो ऐदा करना है, इन प्रेस करांगे विचों। ऐदा की है कि जोड़े फोल्ड करने सौखे हो जाते हैं, जड़े बंद अपना टिपिकल जो इंडियन स्टाइल आप फोल्ड करते हो नहीं होंगे, तो यह बेस्ट तरीका है फोल्ड कर, देखो ना भी अच्छे लगते हैं। ऐदा ही आप हम सारे भर लें, पहले ऐसा किनारे ते आप लगावे अपना थोड़ा जहा पानी, बिच रखा आलू, प्रेस करा जे सपोज ए भी थानू करन जे प्रॉब्लम मतलब कि ईजी नहीं लगता, तो एक होर तरीका है गया। सेम लगावांगे आलू रखांगे, ज्यादा बा गुजियां भरी दी हैं हाफ फोल्ड करो, ऐदा फस्ट क्लास हो जाता फोल्ड, ऐदा कर लो। पर आप ऐदा ही बनावांगे तिकोने टाइप जे, पहला इनू एक पासो पिंच करो, जो पिंच हो गया आलू थोड़े थले दबो विच करो, दूसरे पासे पिंच करांगे। बहुत जल्दी है जी फ्राई होने लई, इसलिए हथों निकली जा रहा है।
मैं दसी जाना ये समोसे हथों निकली जाते कुछ कर लो। लो जी ये हो गया, ऐदा ही असीं सारे भर लाए। एक अद्धा पिछों इनू पुश करांगे, दूजा फोल्ड, तीजा फोल्ड। ये लो जी फ्राई होने लई तैयार है जी। लो जी ऑयल साडा गरम है, आपां इहनू फ्राई कर लैंदे आ। ये जड़े हैगे है ये ओवर क्राउडेड नहीं करो, उन्ने की पाओ जिन्ना एक बार ईजली फ्राई हो जाए। गैस नू बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करांगे, मीडियम फ्लेम ते बना रहे हैं। तैनू हल्की आग ते फ्राई करांगे, गोल्डन ब्राउन कर दें आपां जब तक। तैनू थोड़ा जिहा पलट भी लैंदे रहो नाल नाल, मैं थोड़ा जिहा एग्जॉस्ट फैन लगा रहा, नॉइज़ होएगी फिर। लो जी अपने गर्मा गर्म समोसे तैयार हो गए। समोसे खा लो भैया, जो समोसे खा लो भैया, समोसे खा लो भैया, समोसे खा लो भैया। लो जी अपने गर्मा गर्म समोसे तैयार है। ये बनाए जी आप इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल। ये थोड़े जे कॉकटेल, ये थोड़े जे होर वड्डे। ये बनाया जी पिलो स्टाइल, ये नवी कार कढ़ी है। होपफुली अपने घर से बनायो तो ट्राई करो, होपफुली थानू वीडियो अच्छी लगी होएगी। तो शेयर कमेंट्स और लाइक करना नहीं भुलना। थैंक यू वेरी मच। एक बारी फिर थोड़ा समोसे खाने बनाने का।